एंडी छोरा गौतम देखने वाले सारे दर्शकों ने भाई सुनील गौतम मनाना की राम राम। हरियाणवी देख बिना ब्रेक, लाइक शेयर पर गुट्ठा टेक। भाई फिलहाल हमारे समाज का जो है ताना बाना कुछ बिगड़ता जा रहा है, आप देख रहे होगे डेली कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ बुरी खबर आई जाती है। कहीं लड़कियों की हत्या हो रही है, कहीं पति की हत्या हो रही है, कहीं पिता की हत्या हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारा सामाजिक जो ताना बाना है वो खराब होता जा रहा है। और इस सामाजिक ताने बाने को ठीक करने के लिए हमारी जो खाप पंचायतें हैं उनको आगे आना पड़ेगा भाई, क्योंकि अकेले प्रशासन से काम नहीं चलेगा, प्रशासन अकेला कुछ नहीं कर पाओगा। फिलहाल जो हमारी खाप पंचायतें हैं उनसे भी अनुरोध करेंगे भाई, आप लोगों को भी बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा, तभी ये जो हमारी बेटियाँ हैं जो ये आए दिन मतलब भाई इनकी हत्या हो रही है। तो कैमरामैन से कहूँगा एक बार साथ साथ आ जाए भाई, तो ये तभी कंट्रोल में होंगी जब हमारा सामाजिक ताना बाना अच्छा रहेगा। फिलहाल आप देख रहे हो, आपने एक मुद्दा भी देखा होगा कई दिन से जो है ट्रेंडिंग में चला हुआ है भाई, सिसाना गांव की एक बेटी थी वो जो है बसोदी गांव में उसकी 10 महीने पहले शादी की गई थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की को 10 महीने के अंदर ही अपनी जान गंवानी पड़ी। फिलहाल हम परिजनों के पास आए हैं सिसाना गाँव में, तो फिलहाल उनसे बातचीत करेंगे। आप देख सकते हैं भाई ये जो परिवार है शोकाकुल बैठा हुआ है यहाँ पे। तो माता जी कौन सी है जी उनकी? राम राम जी। तो बहन जी ये कब किया था लड़की का रिश्ता? रिश्ता शादी तो 4-9 उम्र की थी। अच्छा, तो किसी बिचौलिए ने रिश्ता करवाया था या मान ले अपने आप ही डायरेक्ट देख आए थे? बिचौलिए ने करवाया था, मेरी भाभी के भाई ने लाडो होते हैं। तो आपने उसकी पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल नहीं की थी भाई, कैसा परिवार है, कैसा है कैसा नहीं है? हमने पूरी जांच पड़ताल नहीं करी भाई, हमारा रिश्तेदार है किसी चीज का उससे भरोसा था हमने। किसने करवा था ये रिश्ता, कौन रिश्तेदार था आपका? मेरी भाभी का भाई जसवीर लाडोतिया। भाई थोड़ा यहाँ ही आ जा, बैठ जा, लेवल है में ले लिया, ठीक है। तो लड़की ने कभी आपको ये बताया कि भाई मेरे साथ वो गलत कर रहे हैं? हाँ, और बात के लिए बताया करती, माई मन इतनी टॉर्चर रखे हैं, नू रखे हैं, मन बसन नहीं देते, काम का प्रेशर रखे हैं, दहेज का मांगे हैं, किरा के मांगे बोलिया, पहले तेरा बाप डायरेक्टर रे और बोला तू के ले आई, हमने भी रहा तो हम रास्ता ना ले, माई मारा तो सुतरा था, बस इन बातों में उसने नू करी गई उसने, पर अपने भाई आगे बताई गई, मेरे तिवा कम बताया करती, अपने भाई ज्यादा बताया करती, माँ के टेंशन हो जाएगी। तो भाई कितने हैं? दो भाई हैं उसके। उसके बड़े हैं या छोटे हैं? एक बड़ा है एक छोटा है। तो फिर ऐसा मतलब आपने इतनी छोटी बात क्यों ली, वो हड़के में क्यों ली आप लोगों ने बात, जब लड़की आपको बता रही थी भाई मेरे साथ गलत हो रहा है, वहाँ पे मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो उसी समय एक्शन लेना चाहिए था आप लोगों ने? वो बस न्यू बस रहेगा बेटी का, अगर बस रहेगा इस कारण ना ज्यादा हो करे, मका थोड़े दिन शादी न हुई है, उससे न कह देते बेटी काम कर ले तू, खान पीने पर मत लड़ा करके, मका तू मर रहा है नहीं बाता मैं ले। नहीं, खाने पीने का क्या झगड़ा था? खाने पीने की बाबत, खाने पीने का दूध शीत भी नहीं दिया करती वह, उसने इतनी टॉर्चर कर रहा की थी बेचारी। कहीं ना कहीं हमने जो पहली वीडियो देखी है उसमें कुछ देवर पर भी बताया जा रहा है, वो भी मतलब ज्यादा रोड़ा करवा रहा था, क्या करता बीच में कते, उसने भाभी का साथ नहीं दिया, अपनी माँ का भाई का साथ दिया, न्यू टॉर्चर रखा करता बीच में, मेरा न्यू ना करती है, मेरा न्यू ना करती है हर एक बात पर। तो भाई आप देख सकते हो हर रोज हम आप लोगों को वीडियो में बताते हैं, हर रोज आप वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो बेटियां है वो बलि चढ़ती जा रही हैं, हमारी खाप पंचायत है इन पर कोई एक्शन नहीं ले रही, प्रशासन जो है प्रशासन के पास एक ही बहाना होता है भाई, हमारे पास एक ही केस नहीं है, हमारे पास सैकड़ों केस हैं, हम कहाँ कहाँ जाए। तो भाई कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी जो है आग बढ़ चढ़ के आगे आना पड़ेगा, तभी जो है ये जो लड़कियों की हत्या हो रही है ये तभी इन पर अंकुश लगाया जा सकता है। और समाज के उन दरिंदों को भी कहना चाहेंगे भाई, जिनकी मानसिकता के अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ है, जो असली धन को धन नहीं समझ रहे और नकली धन के लालच में असली धन को जो है बलि चढ़ा देते हैं। अरे असली धन तो वो है भाई जिसने आपके घर में मैं खुशबू उठा दी, जिसके घर में आने से आपके घर की 100 बरस की नींव चढ़ गई, वो धन होता है, पैसे का धन नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे समाज के कुछ शरारती तत्व, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान जो ऐसे हैं जिनकी मानसिकता के अंदर एक धन, ये पैसा ही सब कुछ है, उनके आगे किसी की जान की जीवन की कोई वैल्यू नहीं है।
तो फिलहाल प्रशासन से क्या कहना चाहोगे जी? बस मैं तो न्याय मांगना चाहूँ, तीनों मानसा ने फांसी की सजा होनी चाहिए और उनका ताला बंद होना चाहिए और मन कुछ नहीं चाहता। तो सासू पे भी कुछ, हमने एक वीडियो देखी थी पहले, कल हमारा मित्र भी आया था लोक शक्ति मीडिया से आपके पास, हमने भेजा था धर्म भी, तो उसमें भी बताया गया है कि भाई सासू ने भी पहले कुछ कांड किया हुआ है। ये और ये बताऊंगे न बोले, सासू पहले आप पाचा न खारी है, पाचा न जे सासू पहले पाचा न खारी है, ये वो का तीसरा ब्याह जेल में करवा दे, वो जेलर की गल है। तो पहले मतलब किसके साथ गलत किया उसके साथ? पहले जेठ के जेठानी मारी, उके दो बालक मरे, वाह जेठ गल खराब थी। तो भाई ये देख लो, अपना खसम मारा और दिमाग करंट गेर के इबू का अटके ब्याह करवाओ है, वो जो जेलर होंगे ना उन दोरे तभी वह छुटका जाएगी, ब्याह कर लेगी उन गल्ले। तो भाई आप देख सकते हैं परिजनों द्वारा जो आरोप लगाया गया है सास को भी बताया जा रहा है भाई, वो भी पहले से ही जो है खराब थी, इन्होंने कहीं ना कहीं रिश्तेदारी के दबाव में आकर जो लड़की का मोनिका नाम था ना जी, मोनिका का रिश्ता जो है रिश्तेदारी के दबाव में आकर वहां कर दिया। भाई इस परिवार की गलती यह रहेगी अगर इन्होंने रिश्तेदार पर विश्वास किया, और अगर यह थोड़ी ही जांच पड़ताल कर लेते तो शायद आज उस लड़की के साथ ये इतना गलत काम नहीं होता। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की भी, ना सासू की हुई और ना देवर की हुई, और बटेऊ की के बेरा हुई सक ना हुई सके बेरा खुल्या सान डांड रहा है, हुई से उनकी गिरफ्तारी हो, उनका घर में ताला लगना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। तो भाई आप देख सकते हो परिजनों ने जो मांग की है प्रशासन से वो यही है कि भाई उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके घर का ताला लग जाना चाहिए। अगर वो वाकई में दोषी हैं तो भाई जो बहन जी ने कहा है वो काम होना चाहिए, क्योंकि ऐसे नरसंहार हत्यारों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। हमारा मोदी जी से अनुरोध है, हम हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करें, हमें न्याय मिलना चाहिए। मोदी जी ऊँ तो नुकुआ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटी ने पढ़ा कर पाल पोस कर दे दो और फिर उसकी हत्या भी करवाओ, तो न्याय कित गया फिर? वो न्यू बुझा, वो न्याय तो होना चाहिए ना। तो भाई हमारे पास देखो ज्यादा कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है, क्योंकि एक लड़की जिसने अपनी गृहस्थी के लिए क्या पता कितने सपने संजोए होंगे, कितने सपने इस माता पिता ने जो है संजोए होंगे, कितने सपने इसके भाइयों ने संजोए होंगे, और वो सपने 10 महीने के अंदर ही जो है चूर चूर हो गए, और वो बेटी भी जो है वो बहन भी जो है वो भी अपनी जान गंवा गई। भाई फिलहाल अगर भाई दूसरा पक्ष अगर यह समझ रहा है कि ये हमारे पर झूठे आरोप लगा रहे हैं, अगर वो भी अपना पक्ष रखना चाहो तो आओ हमारे कैमरे पर, स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, वो भी अपना पक्ष रख सके। झूठा आरोप ला रहे हैं, लड़की नहीं मानना थी छोड़ जाते उल्टी घर आके, न्यू बता देते थारी मारी नहीं बना, फैसला कर ले। बिल्कुल भाई ये भी बिल्कुल जो बहन जी ने बात कही है ये भी बिल्कुल जायज है, अगर किसी का आपस में बोल नहीं मिलता, नहीं उनका ठीक हिसाब से गृहस्थी में तालमेल बैठता, तो भाई वो उसके घर क्या था ना बात भी कर सके थे बैठ कर, ये कुछ ना कुछ समाधान निकालते उस चीज़ का, या तो अपनी बेटी को समझाते, अगर नहीं कुछ रहा निकलता तो भाई मारने से बेटर था उसके घर को उसको सौंप दिया जाता। उसने उसके जेठ की गल जब ब्याह कराया एक लिए न रुपया ले लिया, घर के ना आए रुपया देना, तो ये तो पहले से ही मतलब इनका ताना बाना बिल्कुल खराब था जी। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो बस एक का बात चाहूँ जी, मेरी बेटी ने इंसाफ मिलना चाहिए, बस वह जेल में जाने चाहिए, तीनों मानस ताला लगना चाहिए, और मैं कुछ नहीं जानती। बस गुड़िया पढ़ कितनी रही? बीए सेकंड ईयर। और जो बटेऊ था वो कितना? वो भी बीए बीए कर रहा था, कितना बड़का बेरा होगा, मन्नत कम में बेरा। जॉब करता है या वैसे? अमेजोन कंपनी में लाग रहा, प्राइवेट जॉब कर रहा था। तो भाई फिलहाल दर्शक देखेंगे इस वीडियो ने लाइक कर दियो जरूर, शेयर का तार दियो फतूर, ताकि वीडियो पहुंच जाए दूर दूर, और यह वीडियो उच्च अधिकारियों तक पहुंच जाए और इस पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए भाई, क्योंकि ये जो घटना है। जब लड़की न मान लो न बोला है कि खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली,
तो इधर फोन भी नहीं करे, आ जाओ। नहीं सुनने में आया है भाई, फोटो भी आप लोगों के पास होंगे, आपने देखा भी होगा, बता जा रहा है कि लड़की का चेहरे पर भी निशान थे, लील थे। इस तरफ का ही पूरा लीला कर रखा, मर मर का न्यू मुंह मोड़ रखा था और आंख भी फूट रही थी, सिर भी आड़ निशान था, सिर में गोला था। फोटो है आपके पास? वो उसने आत्महत्या क्यों कर करी है? यह तो मारी गई है बिल्कुल, क्योंकि भाई कोई भी है अगर आत्महत्या करेगा तो उसके गले में निशान मिलेगा और कहीं भी उसका निशान नहीं पा सकता। तो वो फोटो होंगे जी आपके पास, एक बार बुलवाओ ना, वो दिखा देंगे। देख मा थारी ने फांसी ले ली, ये रिवाज है और मेरा नाश हो गया। आमा इतना बाद हॉस्पिटल में पहुंचा दी थी, कोई भी नहीं था उनके घर पर, उन्हें चुबारा भी धो दिया था अपना माई। मतलब आप शोर हो भाई मारी लड़की को मारा गया? पुलिस तो भी हो नाराजगी है कि मारी बेमौजगारी में उस पुलिस ने क्यों तारी मारी बेटी। और वो ये हमने मैं तो किला बेच कर मेरे छोरे का क्या मना होने दो, छोटा ले आऊं। लाइए भाई एक बार यहाँ फोटो लाइए, दिखाइए एक बार। तो भाई परिजनों ने बताया है कि भाई हमारी लड़की को मारा गया है, जो मौके पर जो डेड बॉडी थी इनके पास, जब ये पहुंचे डेड बॉडी के पास तो इन्होंने फोटो भी खींचे हैं उस डेड बॉडी के, हम आपको दिखा भी रहे हैं भाई। उसके चेहरे पर भी लील बताए जा रहे हैं, सिर में भी बताए जा रहे हैं चोट थी, आंख पर भी बताई गई है चोट थी। तो अगर कोई सुसाइड करेगा तो उसका चोट कहाँ से लग जाएगी भाई? फिलहाल वो तस्वीरें दिखाना भाई एक बार। ये मौके पर गए थे वहाँ? ये लड़का आपका? ये मेरा छोटा बेटा आ रही है। अच्छा, तो भाई अब बता जा रहा है, आपकी माताजी बता रही हैं कि भाई लड़की जो है जब दुखी थी तो वो आपके पास फोन करके बताती थी। क्या आप लोगों के पास लड़की के फोन आते थे? हाँ फोन भी आते थे, रोती भी थी, मुझे बहुत दुख है, सारे काम होते थे, डेली फोन आते थे, उसकी डेली बात होती थी। तो फिर आप लोगों ने एक्शन क्यों नहीं लिया, क्यों नहीं अपने माता पिता को बताया? माँ की थोड़ी तबीयत ही खराब थी, पापा को पता था बस, इसीलिए नहीं पता। तो भाई आप देख सकते हो, ये एक बार कैमरामैन से कहूंगा भाई थोड़ा नजदीक लिया, ये देखो भाई, ये वो लड़की है मोनिका और ये भाई उसकी बॉडी का फोटो है। आप देख सकते हैं चेहरे पर किस तरह से लील पड़े हुए हैं, किस तरह से इसके चेहरे पर लील है, चोटों के निशान जो है स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। अभी आप लोग भी कमेंट करके ये बताओ भाई, इस लड़की ने खुद खुशी की है या इसकी हत्या की गई है? और फिर भी फोटो सुनो, रिपोर्ट में आ गया कि इसने आत्महत्या की है, वो कैसे आ गया? अच्छा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ ली उसकी? हाँ, आ गई रिपोर्ट। तो वो कैसे आ गया कि आत्महत्या की है? ये तो हत्या है। तो भाई फिलहाल प्रशासन से अनुरोध करेंगे भाई, इस मामले में निष्पक्ष तौर पर जांच की जानी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए, ताकि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उस लड़की की आत्मा ने शांति मिले। और भाई दर्शकों आप लोगों से भी कमेंट में एक अनुरोध है भाई, ओम शांति जरूर लिख दियो भाई कमेंट में, ताकि उस बिटिया की आत्मा को शांति मिल सके। 2 महीने पहले लेकर भी आया था मैं, दो फारे ही फोन आया था उसका, रोने लग रही थी मुझे ले जाए, और वे भी मोहित भी कह रहे थे जो उनके हस्बैंड थे, अगर जा अपने घर बेसक, दो फारे लेके आया था मैं, रो रही थी। बता दे रहे हैं मोहित ने फोन भी किया आप लोगों को कि मेरी मात नहीं बोलेगी तो मैं इन्हें रखूंगा नहीं, क्यों करके था? हाँ हाँ किया, फोन भी किया, रिकॉर्डिंग भी है उस चीज की। अभी फोन में है ना? दूसरे फोन में बुलाना एक बार। एक 1.5 महीने पहले ही बात है। मतलब जब आप लोगों को ये बात बोली, वो लड़की यहाँ आई हुई थी या वहीं थी? वहीं थी, वहीं थी। वो तो उसका पति ने बोला कि इसने अपने घर भाज अपने भाई ने बुला कर, फिर मेरा बेटा गाड़ी लेकर गया और उसने बैठा के ले आया, जब भी ता दी थी वह उन्हें, और वह आ गई, फिर ले गए बड़ो चपड़ो का, वो फोन पर बात करते रहते, फिर ले गए बड़ो चपड़ो का, वह फिर भी डगर गई बेचारी। तो कई तारीख को, मतलब जो लड़की को की हत्या की गई है, कई तारीख थी उस दिन, किस दिन हत्या हुई? शनि शुक्र की हुआ, शनिवार की, शुक्रवार शाम ने।
चलो ठीक है भाई, फिलहाल ही नहीं दुखद तस्वीरों के साथ हम आप लोगों से विदा लेते हैं। कमेंट जरूर कर दियो और इस वीडियो ने शेयर भाई भरपूर तरिया कर दियो ताकि यह वीडियो ऊपर तक पहुंच जाए। फिलहाल बने रहिए एंडी छोरा गौतम के साथ, मैं सुनील गौतम, धन्यवाद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय जवान, जय किसान।